आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. हर एक कंट्री का भी एक अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है और हमने 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को ही अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों चुना है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. पहले मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ली है जैसे आप मैथ्स में बनाते हो. 0 डिग्री को मैंने ग्रीनविच मेरिडियन टाइम दिया है. उसके बाद मैंने इसको 15 डिग्री के इंटरवल्स पे बना दिया. 15 डिग्रीज क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है अर्थ का पूरा रोटेशन 24 आवर्स में होता है और वो 360 डिग्री तक रोटेट करती है. तो इट मींस 1 आवर में वो 15 डिग्री रोटेट कर रही है. उसी तरह अगर 15 डिग्री और सिंपल करना हो 15 डिग्री 60 मिनट्स में कर रही है तो 1 डिग्री कितने में करेगी? 4 मिनट्स में. तो आई हैव डिवाइडेड दिस लाइन इंटू 15 डिग्री इंटरवल. सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि जो इंडिया का जो है वो 82.5 डिग्री क्यों है. 15 30 45 60 75 फुल ले लिए. 75 से 90 के बीच में बिकॉज वी टेक द सेंटर ऑफ दैट. तो 15 का हाफ होता है 7.5. 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री इट मेक्स 82.5 डिग्री ईस्ट. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वाई 82.5 डिग्री इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. नाउ अब इंडिया का टाइम 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड कैसे है? क्योंकि ये ईस्ट में है, ईस्ट वाले में हम ऐड करते हैं. अब 75 डिग्रीज तक आप देखो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर्स. तो वी आर गेटिंग कंप्लीट 5 आवर्स अप टू 75 डिग्री. नाउ द रेस्ट इज 7.5 डिग्री. तो एज वी नो 1 डिग्री कितने मिनट में वो रोटेट करती है? 4 मिनट्स में. तो 7.5 डिग्री कितने में करेगी? 30 मिनट्स में. तो 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स इट मींस जो इंडिया का टाइम है वो जीएमटी टाइम से 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड. आई थिंक इट विल बी अंडरस्टैंड टू यू.